अपन के ही स्ट्रेंज भाई साहब के हत्ते तो क्रिस्टिन दीदी नहीं आई, पर स्ट्रेंज की ही नए बंदी को देखने के लिए काफी बंदे उतावले हुए जा रहे हैं, और उनकी उसी हवस को मिटाने के लिए मार्वल भी कम नॉट ही नहीं है, क्योंकि मार्वल ऑलरेडी ऐसे प्लान कर रहे हैं जिसको कि जेसन केन नाम के ही एक इंसाइडर ने बताया था कि मार्वल काफी जल्दी 3 आंख वाले जादूगर के डोज को देने के लिए थिएटर्स पर रिटर्न करेगी, और प्रोबेबली ये काफी ज्यादा ही जल्दी होने वाला है, इतनी ज्यादा जल्दी कि वो हमारे एवेंजर्स की किंग डायनेस्टी के मूवी से पहले ही होने वाला है, यानी कि 2025 से पहले ही ये चीजें प्लान की जा रही हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसका प्री प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में मूवी को जल्द से जल्द डिलीवर करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। एग्जैक्ट ईयर की ज्ञान दें तो 2016 में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की मूवी आने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दिया था उसके बाद ही मार्वल में अनाउंस कर दिया कि कैंग डायनेस्टी की मूवी 2025 में जल्द ही आने वाली है, और डॉक्टर स्ट्रेंज जिस पॉइंट पर अभी ख़त्म हुई थी उस चीज़ को देखकर तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड सी फील होती है सीक्रेट वॉर की मूवी से, और रेदर देन कैंग डायनेस्टी की मूवी से, क्योंकि स्टोरी लाइन दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें इंकर्जन के एंगल को मेंशन किया गया था जो कि सीधा ही सीक्रेट वॉर्स का ही प्लॉट है, एंड में हमें उनको क्लिया के ही डार्क डायमेंशन में घुसते हुए देखा था, आई मीन क्लिया के पोर्टल में घुसते हुए देखा था। छोड़ो, जाने दो, आप तो समझ गए ना। तो हो सकता है कि कैंग डायनेस्टी के इवेंट के टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे मिसिंग हो, एटलीस्ट अभी के स्टोरी लाइन को देखकर तो यही लगता है, बट मल्टीवर्स के धागे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पल्लू से ही जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनका मिसिंग होना किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनाता है, और ये जाम पैक्ड सी फेज 5 और फेज 6 के स्लेट में स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा ही फ्लैश की तेज़ी से बढ़ रही है, तो ऐसे में स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल भी बनाना पड़ेगा, और उनको इस तरीके से भी प्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि सीधा ही जाकर एवेंजर्स की मूवी से लिंक करे, जैसा कि हमने पिछले फेजेस में देखा था कि पूरी फेजेस में इन्फिनिटी स्टोन की ही स्टोरी को रिवॉल्व किया जा रहा था, और जैसे ही एंड में हमारे थैनोस साहब आए तो उनसे स्टोरी ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो गई। लेकिन अभी के स्लेट को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो किसी भी एंगल से जाकर कैंग डायनेस्टी से ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन फ्यूचर के जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे जिसकी शुरुआत तो एंड मैन 3 से ही हो चुकी है, उनमें ही हमारे कैंग को थोड़ा थोड़ा लिंक करवाया जाएगा। तो ऐसे में अगर हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी कैंग डायनेस्टी से पहले आएगी तो हो सकता है हमारे मार्वल को ही इसकी डेट शिफ्ट करवानी पड़े, और इसकी चांस लिटरली 69% है कि कैंग डायनेस्टी के ही रिलीज डेट को वो शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल भी बन सके और बिल्डअप भी सही तरीके से हो सके, क्योंकि अभी के स्टोरी लाइन को देखकर ऐसा ही लगता है कि मार्वल काफ़ी ज़्यादा रस रस में स्टोरी को बढ़ा रहा है इसकी ही एवेंजर्स मूवी को जल्द लाने के लिए। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की मूवी आखिरकार कब आएगी और इसका प्लॉट आखिरकार क्या ही होगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से लिखकर बताना। मैं दूसरी वीडियो में चर्चा करूंगा जब इसकी अपडेट आ जाए कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आखिरकार अपडेट्स क्या ही है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, बाय।